सावन की शुरुआत हो चुकी है, हर तरफ भोले के भक्त ही नजर आ रहे हैं। कोई जयकारा लगा रहा है तो कोई भोले की धुन पर झूम रहा है। हर बार की तरह बाजार में बाबा की तस्वीर वाली टी शर्ट हर तरफ देखने को मिल रही है। चारों तरफ भगवा रंग ही बिखरा है। इसके साथ ही बाजारों की रौनक बढ़ा रही है योगी और मोदी प्रिंट वाली टी शर्ट। लोग भोले के साथ साथ राजनीतिक पसंद भी जाहिर कर रहे हैं। टी शर्ट तो अगली बार भी बिक रहा था, पर इस बार मोदी और योगी का जो टी शर्ट आ रहा है उसका क्रेज ज्यादा, उसकी डिमांड ज्यादा है। उसको लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बड़ी उत्साह से बड़ी खुशी से ले रहे हैं। और सरकार ने बहुत अच्छी उनके लिए जो व्यवस्था बना रखी है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज को उनको सुविधा मिल रही है। अलग अलग स्लोगन और तिरंगे की प्रिंट वाली टी शर्ट लोगों को काफी पसंद आ रही है। साथ ही मोदी सरकार के फिर से जीतने की खुशी लोगों के चेहरे पर देखने को मिली। देखिए, और क्या कहना चाहते हैं जी? इस मकसद से लिया है कि मोदी की सरकार दोबारा आई और दोबारा आना भी चाहिए, और टी शर्ट उनका नाम छपना चाहिए। हम लोग उनके भक्त हैं और उन्हीं की देन है कि जो कि ये पूरी सब एक तरफ हो गई थी पार्टी और मोदी जी की, ये देन है और हम लोग की देन है कि जो मोदी जी के भक्त ऐसे हैं कि मोदी जी को फिर दोबारा ला दिए मैदान में। योगी सरकार बनने के बाद हर जिले में कांवड़ियों को अलग से स्पेशल सुविधा दी जा रही है। जहां सपा सरकार में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वहीं सीएम योगी ने डीजे से पाबंदी हटाकर कांवड़ियों को छूट दी है, जिसे कांवड़ियों में भारी खुशी है। शायद यही वजह है कि जिन भगवा टी शर्टों पर भगवान भोले की तस्वीर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के स्लोगन ही दिखते थे, वो जगह भी मोदी और योगी की तस्वीरों और हर हर मोदी जैसे स्लोगनों ने ले ली है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति का रंग अब त्योहारों पर भी चढ़ रहा है। जो भक्त हर हर महादेव के नारे और गाने बजाते थे, आज उन गानों में भी राजनीति घुल चुकी है। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।